अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सौलिया ठाटिया। आज फिर एक टाइम आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा के बहुत अलग अलग तरीके, अलग अलग उसका वो होता है, लेकिन मेरा तरीका अलग है। अलग यानी कि मैं इसमें बहुत कम सामग्री डालती हूँ, क्योंकि गोश्त के एक अपने टेस्ट, एक अपनी लज्जत, एक अपना मज़ा होता है, इसलिए मैं बहुत कम मसालों में बनाती हूँ इसको। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या सामग्री पड़ती है। ये 1 किलो गोश्त है। अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ मैं डालूँगी। अदरक लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, सूखी लाल मिर्ची, दही, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कांदा, कोथमीर, तेल और नमक। अभी ये सब चीज़ इसमें मुल्ला दो प्याज़ा में पड़ेंगी। अभी चलो मैं आपको अपने किचन में ले चलती हूँ। अभी मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अभी देखो 1 किलो मटन है, तो मेरे को ना मटन के हिसाब से कांदा उसका डबल, यानी कि थोड़ा 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो कांदे से थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि इसमें कांदा ज़्यादा लगता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आधा कांदा डाल दूंगी, आधा रख दूंगी इसको बाद में के लिए, पूरा कांदा अभी यूज नहीं होएगा। तेल डाल रही हूँ मैं, खा गरम मसाला डालेंगे, तेज पत्ता डाल दूंगी, हरी इलायची डालूंगी, 4 हरी इलायची डालूंगी, दालचीनी के टुकड़े 2-3 डाल दूंगी, 2-3 काली मिर्च डाल दूंगी, 2-3 लौंग डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरा। ये सब गरम मसाला डाल के कांदे को थोड़ा सॉफ्ट करूंगी, ज्यादा लाल बिलिस्ता नहीं बनाना है मुझको। आधा कांदा अभी यूज होगा, आधा बाद में मेरे को यूज करना है। देखो मैंने आधा कटोरा इसमें तेल डाली थी। ये अभी मेरी प्याज है ना सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि मेरे को पूरा बिलिस्ता नहीं बनाना है इसका, खाली सॉफ्ट करना है। ठीक है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी मटन, क्योंकि मेरे को मटन में भी इसको गलाना है। मैं पूरा इसमें प्याज लाल करके बिलिस्ता नहीं बनाना है इसको, कच्ची पक्की प्याज बस इतना है कि सॉफ्ट हो जाए। अभी मैं इसको और अच्छी तरह से इसको मिला लूंगा। मटन प्याज दोनों एक साथ मिलके इसका मिलना चाहिए। प्याज भी अपनी जगह सही तरीके से गलती है। अभी मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन डालूंगी, यानी कि छोटे हैं तो 2, बड़े हैं तो बस 1.5 चम्मच। ये मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन डाली। हरी मिर्ची पेस्ट डाल दूंगी, अपने स्वाद के हिसाब से डालना, जैसा जिसको जैसा लगता है वैसा डाल से, जितना तीखा खाते हैं। मैं बस 1 छोटा स्पून डालूंगी। थोड़ी देर और इसको 5-1 मिनट में इसको भूनूंगी इसके साथ में, क्योंकि प्याज गोश्त अदरक लहसुन सब एक साथ मिलना चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा, उसके बाद ही मैं दूसरा मसाला डालूंगी। देखो मैंने अच्छी तरह इसको भून चुकी हूँ, यानी कि कांदा, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची पेस्ट सब मतलब एक साथ हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। डालूंगी थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका एकदम कलर है ना पीला हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया की बुकी डालूंगी 1 चम्मच, मैंने हल्दी 1/2 चम्मच से भी कम डाली हूँ, आप अपने हिसाब से डालना, लेकिन मेरे को ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं अच्छी लगती। 1 चम्मच धनिया बुकी, अखी लाल मिर्ची 3 है, मैंने इसको कटिंग करके 2-2 टुकड़ों में कर दी हूँ। ये मेरी तीखी मिर्ची नहीं है, तीखी मिर्ची है तो आप 2 डालना, मैंने 3 इसलिए डाली क्योंकि ये तीखी नहीं है लाल मिर्ची। और थोड़ा इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी। देखो मैंने इसको ना अच्छी तरह भून चुकी है, इसका कलर भी देखो पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि अच्छी तरह इसको भूनी हूं मैंने।
मैं अभी इसमें सिर्फ एक गिलास पानी डालूंगी, एक गिलास पानी डाल के एक या डेढ़ ज्यादा ज्यादा एक, क्योंकि मेरे को इसको सूखा करना है। ज्यादा पानी डाल के ना शेरवानी बनाना है। एक सीटी लूंगी और 10 या 5 मिनट सीटी एक आ जाएगी तो धीमा आंच करके मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ दूंगी। अभी मैं इसको कुकर बंद करके एक सीटी लूंगी, सीटी लेके 5 या 10 मिनट इसको धीमे गैस पे छोड़ दूंगी। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। बंद करके मैं इसको एक सीटी लूंगी और 10 मिनट तक धीमी आंच पे गैस पे छोड़ दूंगी, क्योंकि धीमी आंच पे गोश्त बहुत अच्छी तरह और जल्दी गलता है। देखो एक सीटी आ चुकी है, अभी मैंने चूल्हा धीमा कर दिया। अभी 10 मिनट तक इसको मैं धीमे आंच पे ही पकूंगी, 10 मिनट के बाद कुकर खोलूंगी। देखो मैं अभी कुकर खोलती हूँ। मैंने एक सीटी लेके इसको धीमी आंच पे छोड़ चुकी थी, क्योंकि ये ना कुर्बानी का गोश्त है ना, तो ये पता नहीं जल्दी नहीं गलता है। अभी मैं आपके सामने इसको बताती हूँ कितना है गल चुका है। ये अभी बस 80% गल चुका है, 80% गल चुका है। अभी मेरे को इसमें आधा जो अनियन रखी थी मैंने वो डालना है। कुर्बानी का वो जल्दी नहीं गलता है। अगर दूसरा अभी इस वक्त बाजार वाला गोश्त होता तो फौरन गल जाता, लेकिन ये नहीं गला। और ये दही, 3 चम्मच इसमें दही डाल दी हूँ मैंने। अभी 10 से 15 मिनट तक मैं इसको और अच्छी तरह पकाऊंगी, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और ये कांदा भी थोड़ा इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगा। ये जो थोड़ा बहुत पानी है ना, ये पूरा सूख जाना चाहिए, इसलिए मैं फास्ट गैस पे पहले इसको पका, क्योंकि 80% हमारा गोश्त गल चुका है। इसको पकाना अभी फास्ट गैस पे मुझको। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी पूरा सूख गया है, अच्छी तरह से पानी सूख गया है। अभी मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया डाल के आपको मैं बताती हूँ क्या गोश्त भी माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि फास्ट गैस करके धीमी आंच पे रखो ना तो गोश्त अच्छी तरह गल जाता है। देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से गल चुका है। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। मेरा मुल्ला दो प्याजा पूरा रेडी तैयार हो गया है। अभी मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। अभी देखो हमारा मुल्ला दो प्याजा तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी से, चावल से, नान से, किसी भी चीज से खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।